कार सिंह श्री हरगोबिंदपुर वाला वह कहते कि अहे तुम इतने लाश रख दो ताकि लाश ना कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अभी कहा भी चलो ठीक है देखो वर्दी का भरोसा किया अज सू कहते अच्छ वर्दी का भरोसा करो साड़ी लाश वाली फ्रिज रात ही बंद कर दी थी क्यों क्योंकि पोस्टमार्टम ना हो जे एस एच ओ बलकार सिंह ने टीके लवाए ही ना इनू मिनटे डॉक्टर ढपई वाले ना रल के उन्हें यह सोचा कि जे आप पोस्टमार्टम हो गया तो टीके बेच आने तो अं फंडे जाना वा श्री हरगोबिंदपुर तो रात 2 बजे हरजोवाल चौकी लैंदा इन्होंने हरजोवाल रात गो गो के मार रहे संगलां ना बन बन के नहीं जकीन तो हाथ पैर देख सकते जो तुम गो गो के मारते रहे टीके ला ला के घर दी अगले दिन मिलने सामने 2 टके टीके लाए मिनटे डॉक्टर ने आप टपई वाले ने पुलिस वाले लागे खलो के टीके लवाते रहे दो भुआ के सामने लाए अभी यो चाहिए कि बलकार सिंह एस एच ओ मिनटा डॉक्टर टपई वाला इतने लिया साढ़े सामने जज बहन इतने चौंक के उन्होंने परचा 302 का कटिया जाए फिर अभी लास्ट चुकनी नहीं चुकनी नवदीप सिंह सोनू आम मुकदमा दर्ज होया कि अक्साई एक्ट उन्होंने दूए दिन इन कोर्ट के पेश किया और यदा करोना टैसट लिए किया जो कि करोना टैस होने तो बाद कल इन्हें बेन भी अपलाई किया कोर्ट के लैके गए थे उत्थे यदि जी तबीयत थोड़ी जी बिगड़ गई तो जज साहब ने उतों जज ने कह के मुलाजमान इन असी सिविल हॉस्पिटल लैके आए हैं पहुँचता वे हॉस्पिटल पहुँचते सार ही जी डैथ हो चुकी है उस डॉक्टर साहब ने अबरॉल जी डैथ शो करती भी यदि डैथ हो चुकी है उस तो बाद अज जो कि पोस्टमार्टम करवाना सीगा अंदर जज साहब भी दोनों इस वेले जी कि सिविल हॉस्पिटल ने बैठे ने पर इन्होंने दोष ला रहे हैं भी जी बॉडी आ फ्रीजर ना चलने के कारण जी बॉडी खराब हो गई है पर साढ़े मुताबिक फ्रीजर चलते सके ज़्यादा गर्मी का लेट होने करके थोड़ा जहा इफेक्ट जरूर पाया पर ऐसी गल नहीं पर जज साहब हजे भी उत्थे बैठे आ असी इन्हों को रिक्वेस्ट करते हैं सारे के जरिए भी जल्दी तो जल्दी यह लिया के असी पोस्टमार्टम करा सकिए कि यदी मौत के जोड़े कारण आए सारे के सामने आ सके कोई गल नहीं कोई ये ना कोई जाति दुश्मनी या कोई एडा वा गल नहीं है भी जिन्होंने असी कोई इदा की हरासमेंट या यदि डैथ करने की कोशिश करिए पर एक नैचुरल कोई पोस्टमार्टम होगा तो वह सारे फैक्ट जो सामने आ जाएंगे भी यदि मौत कि कारण करके हुई है ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਰੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਈਵਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ